बिलासपुर का जो रीजनल अस्पताल है, पिछले करीब 2 दशकों से ये अस्पताल जो है वो क्षेत्रीय अस्पताल, रीजनल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज इस अस्पताल की व्यथा इस तरह से हो चुकी है कि ये अस्पताल सिर्फ एक रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। मैं जो सदर विधायक हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और मुख्यमंत्री जी के जो OSD हैं जो बिलासपुर सदर हल्के में राजनीति की बात करते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप तो एक तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे हैं, दूसरे सदर विधायक हैं, पिछले करीब करीब 10 महीने से यहाँ पे MD नहीं है, मेडिसिन के जो विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। आए दिनों यहाँ पे किसी ना किसी को कोई ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम होती रहती है, कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती रहती है, और डायबिटिक हाइपरटेंशन के मरीज बहुत ज्यादा इस चिकित्सालय में आते रहते हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जिसको माइनर सी डायबिटीज भी है या जिसको थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर भी है, उसको कौन आदमी यहाँ पे लुक आफ्टर करेगा, कौन आदमी उसको देखेगा। हाल ही में मैं आपको कल का वाक्य बताता हूँ। पिछले कल एक वरिष्ठ नागरिक थे, उनको हार्ट का कार्डिक प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे जितने भी अस्पताल में जितने भी डॉक्टर थे उन सबने अपने हाथ खड़े कर दिए और उनके परिजनों से ये पूछने लग गए कि आपको IGMC शिमला भेजें या PGI के अंदर भेजें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले अगर ये पिछले कल का वाक्य है तो पिछले 10 महीनों के अंदर इस तरह के कितने केस जो हैं जिला अस्पताल के अंदर आए होंगे, इस रीजनल हॉस्पिटल के अंदर आए होंगे। लेकिन हमारे जो विधायक महोदय हैं, हमारे जो OSD साहब बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के, जो बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से आने का दावा कर रहे हैं या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि यहाँ का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो क्या यहाँ पे बड़े शर्म की बात है कि बिलासपुर से यहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ से रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक MD की तैनाती नहीं करवा पा रहे हैं। ये समय आ गया है कि बिलासपुर की जनता अब बिल्कुल एक पूरा हिसाब मांगने जा रही है कि आपने, और बड़ी बड़ी जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, बिलासपुर के उद्धार की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर पिछले 10 महीनों से एक डॉक्टर नहीं है, और जो बिलासपुर की जनता यहाँ पे ये इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन है? क्या इसका जवाब सदर विधायक देंगे या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो OSD साहब बैठे हैं कि वो इसका जवाब देंगे?